अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने पहले तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अगर सच में निकल जाती तो उसे तुम्हारी लाइफ से निकालना पड़ता ना, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे बहुत पसंद हो। बल्कि मैंने ना आज से पहले किसी से भी ऐसी बातें नहीं की, क्योंकि तुम जो मुझे पहले नहीं मिली, तुम ऐसी मुस्कुराती रहना। अब क्या याद आ गया? ये स्माइल कहाँ गई? मैं बस सोच रही थी कि वो शौर्य तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है। Thank God वो मेरे जैसा नहीं है। अगर वो मेरे जैसा होता और तुम्हें वो पसंद आ जाता तो जी, प्लीज मुझे तुम्हारे अलावा कभी कोई पसंद नहीं आ सकता। और मैं ये इसलिए कह रही थी क्योंकि शौर्य अगर अच्छा लड़का होता तो शनाया की लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाती ना राजवीर, वो कितनी खुश रहती, उसके साथ भी कोई एक लविंग रिस्पेक्टफुल पार्टनर होता। लेकिन नहीं, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने उसे इतना समझाया कि शौर्य अच्छा लड़का नहीं है, वो उसके लायक नहीं है, उसकी शादी। काम डाउन, शादी नहीं हुई है, उनका सिर्फ रोका हुआ है। और हमारे पास बहुत टाइम है, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, और शनाया के पास भी टाइम है ये रियलाइज करने के लिए कि शौर्य उसके लिए सही लड़का है या नहीं। लेकिन तुम ना, तुम ऐसे उदास मत हुआ करो। मैंने कहा ना, तुम्हारी ये स्माइल मेरा सुकून है। कीप स्माइलिंग। ओके। क्या 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 तूने सुना नहीं? यार मैं पिक्चर्स क्लिक करूं? कितना बेवकूफ लगूंगा मैं पूरे रोके में पलकी के फोटोज खींच रहा हूँ। बहुत बड़ा स्टार है ना तू। एक काम कर, तू एक कोने में खड़ा हो जा, किसी चीज के पीछे छुप जा, आई डोंट केयर, बट तू वो फोटोस क्लिक करेगा। मुझे पलकी की सोलो पिक्चर्स चाहिए सैंडी, और याद रखना उस फ्रेम में कोई और होना नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट पलकी सोलो पिक्चर्स। फ्रेम में और कोई नहीं चाहिए, ये कैसी बातें कर रहा है ब्रो? मुझे नहीं लगता तू ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। मैं तुझसे एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, एक। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है सैंडी, एक काम नहीं कर सकता तू मेरे लिए? शांत हो जा, मैं करता हूँ, सारे पिक्चर्स मैं क्लिक कर दूंगा, अब चाहे जो हो जाए, बस तू शांत हो जा मेरे भाई। स्टॉप दिस, ओके? मुझे पता है तू क्या कर रहा है। आई नो कि तू मेरी फैमिली की तरह बिहेव कर रहा है, मुझे ये फैमिली वाला टॉर्चर मत दे, ठीक है? इनफ। सीरियसली कोई ले नहीं रहा मुझे। आई लव पलकी, कोई तो मुझे सीरियसली लो, मेरी हेल्प करो फॉर वंस। डोंट वरी ब्रदर, मैं कुछ करता हूँ। सब चाहते हैं कि मेरा और शनाया का रिश्ता हो जाए, ठीक है? उन सबको वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, पर जो मुझे चाहिए वो भी मुझे मिलना चाहिए। सब चाहते हैं मेरा शनाया का रिश्ता हो, पर मैं चाहता हूं कि पलकी और मेरा रिश्ता हो। चाहता हूं कि पलकी और मेरी शादी हो। कैसे हो बस वो फिगर आउट करना है। आप खुश रहो। मुझे लगा आप नहीं आओगे। क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि मैं नहीं आऊंगी? मैंने तो आना ही था। थैंक यू सो मच कि आप आए। आप जब मेरे आसपास होते हो तो मुझे बहुत स्पेशल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। पहले मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। आप हमेशा मुझे बहुत अच्छा फील कराते हो। रियली? पता है जब तू मेरे आसपास होता है ना तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है। कनेक्शन है ना हम दोनों के बीच। मुझे तो तू बिल्कुल अपने बेटे जैसा लगता है। इतना प्यारा लगता है तू, इसीलिए तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और तेरे रोके में तुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए चली आई। I'm so happy कि आप आए। You know what? मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। लास्ट टाइम भी जब मैं इतनी प्रॉब्लम्स में था
तब मेरी किसी ने नहीं सुनी एक्सेप्ट फॉर यू. सिर्फ आपने मुझे सपोर्ट किया और अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है. लेकिन अभी इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स है? ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुझे सपोर्ट की जरूरत है? पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी हेल्प करेंगी, मेरा सपोर्ट करेंगी और इस डिसीजन में मेरा साथ देंगी. मेरा साथ कोई दे ही नहीं रहा. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू एवरीवन, मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा. पंडित जी, मुहूर्त में कितना टाइम है? बस थोड़ी देर में रोके का मुहूर्त शुरू होने वाला है. ठीक है. ये इतना गुस्से में क्यों दिख रही है? क्या हो गया? इस तरह के इंसान आप ना ही अच्छे बाप है और ना ही अच्छे पति. आज तक आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया और ना ही अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए. वो तो मेरी और शनाया की मेहनत की वजह से मेरी बेटी शनाया की शादी इतने बड़े घर में हो रही है. तुम्हारी वो झोला छाप डॉक्टर बेटी इस शादी को रोकने में लगी हुई है. मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए और अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा लीजिए कि ज्यादा दिमाग ना दौड़ाए. बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने लगी है वो अपना. लेकिन हुआ क्या? अरे जी, क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं. मुझसे मत छुपा, मुझे अच्छी तरह से पता है. शौर्य ने शादी का रिश्ता तोड़ दिया ना. मैं एक सेकंड आया राहुल. इसको ढूंढ रहा है तू? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं. हाँ चल, कुछ नहीं हुआ. क्या क्यों, क्या कुछ नहीं हुआ? छुपा रहा है मुझसे? नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ. एक्चुअली पहले मैं सोच रहा था बता दूं, लेकिन अब मुझे लगता है क्या छोटी सी बात है, क्या बता नहीं. चल ना अंदर चलते. बचपन से ना तेरी एक आदत नहीं गई फुटेज लेने की. इतना सा था ना तब भी रूस के बैठा रहता था. जब तक मुझे 10 बार मनाओगे नहीं मैं नहीं बताऊंगा. बताना है लेकिन 10 बार जिंदे करूंगा तो बताएगा. अरे नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसी कैसी कोई बात नहीं? अरे आप पता नहीं, मैं भी पागल हूँ. हमारे यहाँ पर पार्टी है, गेस्ट हमारे यहाँ पर आए हैं, इनके साथ मिलकर बात करते हैं, एंजॉय करते हैं. मैं कोने में मुंह लटका के बैठा हूँ. चल वैसे भी अच्छा नहीं लगता है. कम ऑन लेट्स गो. भाई नहीं है मेरा, दिल में क्या चल रहा बताएगा नहीं. बता क्या हुआ? प्रीता नहीं आई यार अब तक. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री.